ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है चुनावों में भी लगाते हैं, ये बात ज़रूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका समर्थन करेंगे। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है, हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूँ तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूँ। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है, हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलय जो शीतल, ये रही है परंपरा से, और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूँ, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। ये डर छोड़कर, मैं दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाड़ा साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई, आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ तो सारी दुनिया सुनती है। लेकिन ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का
अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। साहब मैं कहता हूँ सार्वजनिक भाषण में, मैंने कहा है स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूँ, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए अब। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.